तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ये बहुत खास है क्योंकि आज के दिन आप अपने फैंस को भी तोहफा दे रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज से पहले ऐसा रिटर्न गिफ्ट मैंने कभी नहीं दिया है। ये पहली बार ही दे रही हूँ मैं ऐसा रिटर्न गिफ्ट, और बहुत मेहनत लगी इसके पीछे, बहुत दिमाग लगा, बहुत टाइम लगा, और अब जाके रेडी हुआ है वो 3 मिनट के अंदर। तो इसीलिए उसको बहुत सारा प्यार देना प्लीज़। कहते हैं ना कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, आपको सारा चीज़ देखना भी, अपना संगत का भी सारा, यू नो, बहुत सारी चीज़ें हैं, म्यूजिक का सब कुछ है, तो कितनी जिम्मेदारी पड़ी है, मतलब डबल ट्रिपल। जब सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँगी तो मेरा, मैं सारा क्रेडिट ना अपने हस्बैंड को देती हूँ, सारे टेंशन बेचारे वही लेके रखते हैं और सारे काम वही करते हैं, मैं सिर्फ पीछे पीछे रहती हूँ। और आई डोंट थिंक कि मैंने कोई ज़्यादा मेहनत की, सारी मेहनत मेरे हस्बैंड की और जन्नत की है, क्योंकि असली बात तो यही है कि इतने हार्ड शेड्यूल है जन्नत का, बिल्कुल टाइम नहीं होता उसके पास, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बैक टू बैक कुछ ना कुछ नया चीज़ें ला रही है जन्नत। Like, I'm very happy for all such things and I'm very proud of my daughter. And, इस बार भी मैंने बनाया, बट आगे मम्मी ने बहुत सारे और भी ऐड करे, बिकॉज इस बार आई थिंक सो ज़्यादा लोग आने वाले हैं जितने पहले आते थे, तो जैसे कि हर साल लोग बढ़ते हैं बिकॉज हर साल नए नए लोग मिलते हैं, तो पहले के बढ़ते भी हैं बिकॉज फैंस भी बढ़ते हैं और नए नए लोगों से जब मिलते हैं तो लोग भी बढ़ जाते हैं, तो सही बोलता है एकदम। अंजाम, बाप रे, अंजाम जो भी हो बस अच्छा हो, मैं तो बस यही चाहती हूँ। और अभी हाँ, तो जो भी मैं अभी विशेज़ भी मांग रही हूँ वो तो खैर बताते नहीं है, बट आई वॉन्ट कि वो सब उसी से रिलेटेड हो, क्योंकि बहुत बड़ा दिन होने वाला है और मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं कई बार बोल चुकी हूँ जबकि मैं नर्वस नहीं होती हूँ। बहुत अच्छी, क्योंकि हमें पता है कि जो जन्नत ने सॉन्ग किया है वो इंशाल्लाह ताला सबको बहुत जो गाया है, मतलब हाँ, मतलब जो सॉन्ग जन्नत ने पीछे भी किया और जो जन्नत ने सिंग भी किया है लेकिन ये मैंने गाया है, तो अभी ये अच्छा, यू डिडंट नो दिस अवार्ड, यू न्यू नो ऐसा रिएक्शन यू गिविंग, तो इसीलिए ये बहुत नया है ना, ये पहली बार जैसे ये मेरे, तो इसलिए इसके लिए मुझे ज़्यादा नर्वसनेस। ये सॉन्ग का हमने पहले से प्रिपेयर किया था कि हमको 29 को लॉन्च करना है, जब तक गाना नहीं पता था, गाया नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था, शूट नहीं हुआ था, लेकिन पता था लॉन्च 29 को करना ही पहले से फिक्स था हमारा, बाद में सब कुछ हुआ, डेट पहले फिक्स थी। जन्नत को पता चला कि जो सिंगिंग अवतार, यू नो, जो है वो कैसे बाहर आया, मतलब उसके पीछे की कहानी? इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, मैं तो इतनी शाय गाना गाने में कि मैं मम्मी डैडी के सामने अपना रियाज भी नहीं करती। या ये सॉन्ग का जब रियाज करना होता है तो जन्नत को ढूंढना पड़ता है, जन्नत ने रूम में लॉक करके तब रियाज करती है, लाइक शी सो मच ऑफ शाय, मैं अकेले, या लाइक दैट। सो आई होप यू ऑल विल लाइक द सॉन्ग, क्योंकि हम लोगों को तो खैर जन्नत को जाने का बहुत शौक है, माशाल्लाह हमारे हिसाब से जन्नत की आवाज़ बहुत अच्छी है, एंड आई नो कि बाकी ऑडियंस को बाकी बहुत अच्छी लगेगी और सब कैसी है, कैसा एक्सपीरियंस था, यू नो, एक्टिंग ज्यादा इजी है गाना? मेरे लिए तो फिलहाल एक्टिंग ही इजी है, बिकॉज वो करते हुए मुझे सालों हो गए, तो अभी इट्स लाइक अभी ना नर्वसनेस होती, कुछ नहीं होता, और बहुत अभी कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ कि मुझे रोना है, हंसना है, कॉमेडी करना है। अब एक्टिंग में तो पेन दिखाना, अब मैं गाना गा रही हूँ तो गाना हार्ट ब्रेक है, तो अब मैं गा रही हूँ उसके बाद मुझे बोलते हैं थोड़ा और पेन, अब मैं सोचती हूँ पेन कैसे लाऊँ मैं गाने में, एक्टिंग में तो मैं कर सकती हूँ, तो मैंने डैडी को पूछा, मैंने कहा ग्लिसरिन लूँ क्या तो पेन आएगा, तो अभी गाना तो मुझे पता लगा कि गाना भी अपने में एक एक्टिंग ही है, उसमें भी यू नो पेन होता है, खुशी आवाज़ में दिख, तो आई थिंक उसके लिए मुझे टाइम लगेगा, लेकिन ये जब भी मैं माइक के सामने जाके खड़ी हो रही थी मैं इतनी नर्वस हो जाती थी, मैं बोलती थी एसी भी ऑफ करो, मेरे हाथ में ठंडे हो गए, मैं नर्वस हो गई, अब सब चुप बंद। तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा, नहीं तो ये भी ना ऐसे दो बार में हुआ, तो हमको दो डेमोज आए थे, ये एक जो आया था उसमें तो पता नहीं, मैंने कहा ये तो मेरी आवाज़ ही नहीं लग रही है, वो थोड़ी आवाज़, एडी ने भी बोला कि ये तो बच्चों जैसी आवाज़ है, ये क्या लग रहा है। खैर जो दूसरा वाला साउंड सुना वो मेरी ओरिजिनल आवाज़ थी, एंड देन आई वाज लाइक ये मैंने गाया है। तो वो मुझे अच्छा लगा, मैंने रिसेंट अभी दुबई मैंने शूट किया, उसके बाद 3-4 दिन पहले ही अपनी फाइनल रिकॉर्डिंग की आके,
तो मेरी फाइनल रिकॉर्डिंग हो गई है। खैर अब हाँ, मम्मी का क्या रिएक्शन था, मम्मी तो फाइनल रिकॉर्डिंग में मेरे साथ साथ ही बैठी थी और मैं पता है इतनी नर्वस थी कि अभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप रिकॉर्ड करते हो बाकी सब वो साइड रहते हैं, लेकिन मैंने मम्मी को बोला मम्मी कम सीट विद मी, मम्मा मेरे पास बैठी है, आई वाज सिटिंग विद हर इनसाइड रिकॉर्डिंग रूम, मेरे पास आके बैठी है। नहीं नहीं, आई स्वेयर आई रियली लव्ड हर वॉइस, आई रियली लव्ड द सॉन्ग और मुझे बहुत अच्छा लगा। जन्नत की आवाज़ माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, थोड़ा नर्वस भी है, लेकिन आई होप अगर हम इंशाल्लाह आगे और कुछ नया लेकर आएंगे तो उसमें और अच्छी चेंजेस और वॉइस और अच्छी मिलेगी, बट दिस इज फॉर मी इट्स द बेस्ट वन फॉर मी एज अ मदर। मैं क्या कहना चाहूँगी, मुझे तो बस जेन्युइन रिव्यूज चाहिए और मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि लोग पसंद करें, क्योंकि मैं भले ही शाय हूँ बट ऑफकोर्स मैंने मेहनत की है गाने पर काफ़ी और तब जाके मैंने गाया है, और बिकॉज ये मेरी लाइन है नहीं, मैंने अभी इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव संग समथिंग एंड इट्स नॉट दैट कि मैं बहुत सालों से सीख रही हूँ गाना कि मैं एकदम प्रो हूँ और सिर्फ माइक के सामने मैंने भी गाया है, सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया है, तो ऑफकोर्स क्योंकि नया है तो मुझे ज़्यादा प्यार और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए ताकि मुझ में वो कॉन्फिडेंस आए कि हाँ आई कैन बी अ गुड सिंगर, यू नो जिस तरह से एक्टिंग में मुझे सपोर्ट मिला है। और अब हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, पहले तो मुझे मैं कन्फ्यूज था ने गाया किसने गाया ये पहले मैं लिटरली मैं ये था कि जन्नत ने गाया ये लिटरली अभी ऐसा था कि मतलब कि अपी जैसे बताया मम्मी ने कि अपी ऐसी लॉक करके रूमर ऐसे ही गाती हैं, तो अपी की इससे पहले वॉइस गाने के साथ सिर्फ और सिर्फ मैं बैठता था अपी के साथ, जब भी रियाज करते थे हम दोनों ही करते थे मेरे सामने सिर्फ, बहुत मतलब कि अंडरस्टैंडिंग वो अपी की सारी, तो हम दोनों सारी बातें शेयर करते हैं, तो वो गाना मेरे सामने गाती हैं, तो जब माइक के ऊपर रिकॉर्ड हो गया जब ऐसा आया मैं था किसकी आवाज़ है ये किसकी है, तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी नहीं था मैं नहीं स्क्रैच में था ना मैं फर्स्ट वाली सबसे पहली वाली वो तो ट्रायल वाला जो था, इनफैक्ट जब मैं जो भी गई थी ये सोचिए कि स्क्रैच रिकॉर्ड कर लूँगी, तब तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, मैं तो इतनी नर्वस हो गई कि मैं हम दो तीन बार ऐसे गाया माइक पे फिर वापस आ गई, यू नो मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी तब, मतलब कि अपी को उस टाइम तो अपी को ये भी नहीं समझ आ रहा था कि जो हैं राम जी वो बोल रहे थे, राम जी जी जो हैं वो बोल रहे थे कि आप गा रही हो आपको गाना है, अपी को लिटरली इतना भी नहीं समझ आ रहा था मुझे क्या गाना है, बिकॉज मुझे टेक्निकली इतने नहीं समझ आया, तो पूरा टेक्निकली बता रहे थे गिट उस पे पियानो पे कि आप गा रही हैं आपको गाना है, वो तो अलग अलग कॉर्ड्स बाय, अब मुझे तो सभी सेम लग रहा है, मैंने कहा आप कुछ भी करो मुझे तो सब सेम लग रहा है, मुझे तो पता ही नहीं आ रहा। हाँ, शूटिंग बहुत अच्छा था, बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी दुबई में, हालत ख़राब हो गई, बट हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन अबू धाबी में शूट किया जहाँ पे वाइट सैंड था, डेजर्ट वाइट सैंड का था, वहाँ बहुत था 50+ था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट ऑफकोर्स करना था, सुंदर लग रहा था, टाइटल जो बहुत अच्छा है उसका इश्क फर्ज़ी, यस तो इश्क फर्जी इज उसका टाइटल है क्योंकि हमारी जो हुक लाइन है उसमें इश्क फर्जी है, और जब आप गाना देखेंगे तब आपको समझ आएगा, एंड इश्क फर्जी होता है, कितने लोग रिलेट करेंगे और जो रिलेट नहीं करते वो कुछ महीनों बाद रिलेट करने लगेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि इश्क फर्जी कैसे होता है। और रोहन के साथ भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ये पहली बार मैं उसे मतलब हाँ एक लॉन्च में मिली थी, बट हम साथ में गए दुबई तभी हम मिले भी, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा भी आया शूट करने में, हमने दो दिन शूट किया पूरा दो दिन, और काफ़ी अच्छे से स्मूथली शूट हो गए, और मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि मेरा ही गाना है मैंने ही गाया।